Myself Sachin Tiwari, your chemistry teacher. So, structure of atom या atomic structure class 11th NEET IIT के लिए या जो आप preparation कर रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारे 6 ऑलरेडी वीडियो आपके को अवेलेबल है, आप उनको ऑब्जर्व करिए। इस वीडियो में हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो पढ़ चुके हैं उस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मैथमेटिकल अप्रोच देखेंगे, उसमें क्या कैलकुलेशन करने को आते हैं कॉम्पिटिशंस में, स्कूल्स में भी किस तरह के फार्मूले अप्लाई होते हैं, लाइंस जो बन रही थी अलग अलग सीरीजेस में उन लाइन का क्या इम्पैक्ट या इफेक्ट होता है। उसके बाद हम एंटर करेंगे डी ब्रॉगलीज मैथमेटिक्स में, डी ब्रॉगली का कंसेप्ट क्या है, किस तरह से डी ब्रॉगली ने हमको मैथमेटिकल अप्रोच दिया, क्या बताते हैं वो ड्यूअल नेचर थ्योरी में। डी ब्रॉगली की इक्वेशन को स्टडी करने के बाद हम डैविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, डैविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से हमको इलेक्ट्रॉन के किस नेचर की जानकारी मिलती है, क्या बताता है ये एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, देन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब हाइड्रोजन गैस से को डिस्चार्ज ट्यूब में फिलअप किया और हाई पोटेंशियल अप्लाई किया तो इसके कारण से हमको कई सीरीजेज ऑब्जर्व हुई, हमने उनके बारे में डिटेल स्टडी की है। 6 सीरीजेज हैं, बेसिकली 5 आप पढ़ते हैं, लाइमन, बामन, पास्टन, ब्रैकेट, पीफंड और हमफ्री। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो लाइंस बनती हैं ये कैसे अंदाजा लगाते हैं, इनका क्या कैलकुलेशन आता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ज़्यादातर वेवलेंथ का कैलकुलेशन आता है या फिर बहुत हुआ तो वेव नंबर का। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रेशियो में आ गए हैं कि फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन या कोई भी लाइन्स किसी भी सीरीज की दे दी जाएगी और आपको उसका रेशियो कैलकुलेशन करना होगा। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट दैट। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब वेवलेंथ कैलकुलेशन करने की बारी आई तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बामर। बामर ने और रेडबर्ग, ये दो साइंटिस्ट का एक कोलैबोरेटेड फार्मूला है और उस फार्मूले को यूज करके आप बड़े बड़े कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट लाइन्स इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हम कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम रेडबर्ग इक्वेशन और या बामर इक्वेशन को यूज करते हैं और वो है 1 by lambda is equal to RHZ square 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square। ये सीधा सा फार्मूला है, इसमें बहुत डेरिवेशन में इन्वॉल्व होने का कोई फायदा नहीं है आपको। तो 1 by lambda is equal to RH, यहाँ पे RH एक कांस्टेंट है जिसको रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, Z एटॉमिक नंबर है और N1 N2 की इंपॉर्टेंस है। यहाँ N1 का मतलब होता है कि किस सीरीज में जो लाइंस किस नंबर ऑफ सेल में आ रही है। तो ये मैंने आपको पहले परफेक्ट करा दिया कि लाइमन सीरीज अगर होगी तो जितनी भी वेव्स आएंगी वो सब फर्स्ट सेल में आएंगी। यानी लाइमन के लिए N1 की वैल्यू 1 है, बामर के लिए N1 की वैल्यू 2 है, पास्टन के लिए N1 की वैल्यू 3 है, ब्रैकेट के लिए 4 है, पीफंड के लिए 5 है और हम फ्री के लिए तो बहुत रेयर है कि कोई क्वेश्चन आपसे पूछे। तो हम फ्री के लिए ये लाइन का नंबर के हिसाब से जब हम N1 की वैल्यू लेते हैं तो अपन 5 ले लेते हैं, 6 ले। तो लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफंड और हम फ्री में N1 फिक्स्ड है कि N1 का मतलब होता है लोअर एनर्जी सेल, और लोअर एनर्जी सेल अगर लाइमन सीरीज के लिए क्वेश्चन आ रहा है तो आप N1 हमेशा 1 रखोगे, बामर के लिए आ रहा है तो N1 की वैल्यू 2 रखोगे, पास्टन सीरीज के लिए आ रहा है तो N1 हमेशा 3 रखोगे, ब्रैकेट सीरीज के लिए क्वेश्चन आ रहा है तो हमेशा N1 की वैल्यू 4 रखोगे, और पीफंड के लिए आ रहा है तो N1 की वैल्यू आप हमेशा 5 रखोगे, हम फ्री का चांस नहीं है। अब बात होती है N2 का। तो N2 का मतलब होता है हायर एनर्जी सेल। हायर एनर्जी सेल यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, तो इसको मैं अगर सिंपल भाषा में कहूं तो N1 प्लस नंबर ऑफ लाइन आस्क्ड, आप ऐसे या फिर आपका दिमाग चालू चले और आपके दिमाग में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्लियर है। जैसे कि मैं कहूं कि बामर की फोर्थ लाइन की वेवलेंथ निकालो आप, तो आप बोलोगे बामर की फोर्थ लाइन,
तो बामर यार एन वन कहाँ है, बोले दो नंबर पे, सेकेंड सेल एन वन है। फोर्थ लाइन तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि सेकेंड सेल में आना है, तो थर्ड सेल से फर्स्ट लाइन, फोर्थ सेल से सेकेंड में आएगी तो सेकेंड लाइन, फाइव से सेकेंड में आएगी तो थर्ड लाइन, और सिक्स से सेकेंड में आएगी तो फोर्थ लाइन। एक तो ये तरीका है। दूसरा आप सीधा ये बोलो कि एन टू इज इक्वल टू एन वन प्लस नंबर ऑफ लाइन आस्क्ड। जैसे मैंने कहा फोर्थ लाइन, तो आप बोलोगे बाबर के लिए एन वन टू है, फोर्थ पूछा है, तो एन टू की वैल्यू फोर प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स कर लूंगा मैं। क्लियर? तो एन टू डिटरमाइन कर पाना ही इम्पोर्टेंट है, और एन टू अगर आप कर पाते हो तो फिर कैलकुलेशन आपके लिए ईजी होगा। क्लियर? तो आपने एन वन और एन टू दोनों का अंदाजा लगा लिया। अब बात वही कि आर एच रिडवर कॉन्स्टेंट, तो 1.097 10 टू पावर 7 मीटर इनवर्स, ये अपन रिडवर कॉन्स्टेंट की वैल्यू लेके चलेंगे, है ना, सॉरी 10 टू पावर 11 मीटर इनवर्स। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप सॉल्व करोगे तो इसको आप 1.1 अप्रोक्सीमेशन भी कर सकते हो, और उसके आधार पे फिर कैलकुलेशन कर सकते हो। मीटर इनवर्स है यानी वेवलेंथ के रिकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा, और उसी के आधार पे यहाँ पर जेड एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर स्वाभाविक है क्वेश्चन हाइड्रोजन के लिए आएगा, तो आप हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर की वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हो। तो क्लियर है? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर थोड़ा सुधार करना है, मैंने 11 लिख दिया है, यहाँ 10 टू पावर 7 होगा, है ना। अब ये तो हमको मालूम हो गया जेड एटॉमिक नंबर है जो हाइड्रोजन के लिए ही आएगा और 1 होगा। अब इसके आधार पे तरह तरह के कैलकुलेशन आते हैं। कॉम्पिटिशन में ज़्यादातर लेंथी न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन करने को कम ही आता है, आर को आप डायरेक्ट यूज करके उसका कैलकुलेशन पर्पज यूज कर सकते हैं। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं बोलूँ कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज। एक सिंपल सा क्वेश्चन आया कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज। तो अब आप बोलोगे कि बामर के लिए क्वेश्चन आया है, इसका मतलब ये तय रहा कि एन वन की वैल्यू तो मुझे क्लियर है कितनी है बामर के लिए 2, एन टू की वैल्यू थर्ड लाइन पूछ रहा है, यानी थर्ड लाइन के लिए एन टू बताना है, तो एन टू बोलोगे 2 प्लस नंबर ऑफ लाइन आस्क्ड, यानी एन टू की वैल्यू हमको 5 मिल जाएगी, 5। तब आप बोलोगे कि 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर, हाइड्रोजन एटम के लिए क्वेश्चन है, जेड का कोई मतलब नहीं है, 1/n1² यानी 2π² माइनस 1/5² वैल्यू रखोगे, 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर 1/4 माइनस 1/25 एलसीएम लोगे तो स्वाभाविक 100 आएगा, तो सॉल्व करोगे 25 माइनस 4 तो 1/लैम्डा इज इक्वल टू 21R/100, या आप सॉल्व करना है आपको लैम्डा तो 100/21R, ये वैल्यू आ गई आर के टर्म में। ऑप्शन दिया है, आप आंसर लगा दोगे, स्कूल में आओगे तो यहीं पर सॉल्व करना होगा, और आगे चलिए आप 100/21 आर की वैल्यू 1.097 इंटू 10 टू पावर 7 मीटर इनवर्स रखोगे, अपने आप आंसर मीटर में आएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बुक में दिए हैं, इनमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन तो है नहीं, इजी वे में आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी में बहुत सारे क्वेश्चन रेशियो में दिए हैं, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज एंड सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। समझे आप क्वेश्चन? क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज एंड सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन की थर्ड लाइन और बामर की फिफ्थ लाइन, लाइमन की थर्ड और बामर की फिफ्थ लाइन के बीच का वेवलेंथ का रेशियो लाना है। अब ये कैसे क्वेश्चन होगा? ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आप बोलोगे कि हमको दे रखा है लाइमन की थर्ड लाइन की वेवलेंथ 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर लाइमन एन वन 1² माइनस थर्ड लाइन, तो क्या बोलोगे एन टू की वैल्यू एन वन प्लस नंबर ऑफ लाइन आस्क्ड, तो एन वन की वैल्यू 1 है, आस्क कौन लिया थर्ड, तो एन टू की वैल्यू जाएगी 1/4 का स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर एच रिडवर कॉन्स्टेंट 1/1 माइनस 1/16, इसको सॉल्व करें एलसीएम लोगे आप तो 16 ये आएगा 16 माइनस 1, तो ये 1/लैम्डा इज इक्वल टू आपको वैल्यू मिल जाएगी क्या
15 RH/16। तो लैम्डा की वैल्यू सॉल्व करना है, तो 16/15 RH, ये आपको लाइमन की थर्ड लाइन की वैल्यू मिल गई। इसी तरह आप बामर की सेकंड लाइन निकाल लोगे, 1/λ RH सेकंड, बामर के लिए N1 2 है, तो 1/2² माइनस सेकंड लाइन, तो स्वाभाविक है 2 + 2 = 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर लोगे तो आ जाएगा RH 1/4 - 1/16, LCM लो 16, तो ये 4 - 1, तो 1/λ = 3 RH/16, तो λ = 16/3 RH, आपका बामर की सेकंड लाइन की भी वेवलेंथ मालूम हो गई। अब बहुत सारे लाइन का रेशियो ला दो, तो लैम्डा लाइमन थर्ड अपॉन लैम्डा बामर सेकंड, लाइमन का वैल्यू कितनी है 16/15 RH इंटू हो जाएगा 3 RH/16, बस कैंसिलेशन कर दो, कौन किसको मारेगा, ये इसको खत्म कर देगा, ये 1, ये 5 टाइम्स, ये RH कैंसिल, तो लैम्डा बामर लैम्डा लाइमन थर्ड अपॉन लैम्डा बामर सेकंड इज इक्वल टू 1/5, यानी 1:5 का रेशियो है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में डाले हुए हैं, आपको इसमें क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही करने हैं, आपको कोशिश ये करनी है कि आप क्वेश्चन की समझ डेवलप कर लो, कि भाई कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उस क्वेश्चन को मैं करूंगा कैसे, क्लियर। आपके दिमाग में N1 और N2 ये दो बातें एकदम परफेक्टली क्लियर होनी चाहिए। चलिए, अगर आपको ये बनता है तो आजकल जो खासकर नीट के क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के आता है और दिमाग लगाने वाला आता है, इवन IIT में भी आए, तो अब क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि आपको ये तो क्लियर हो गया कि यार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में खूब सारी सीरीजेस मिल रही हैं, देयर आर मैनी नंबर ऑफ सीरीजेस। अब इन सीरीजेस को कहते क्या है, ग्रुप ऑफ लाइन, इसका मतलब उनको बहुत सारी लाइंस भी मिल रही हैं। अब क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशन की कैलकुलेट द नंबर ऑफ लाइंस इन XYZ, कोई भी आपको सेल का नंबर दे देंगे, तब फिर कैसे क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर अब आपको बहुत ध्यान देना होगा, ये क्वेश्चन और इनके फार्मूले तक यूजफुल है। तो आगे अपन पढ़ने वाले हैं कि कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ लाइंस इन NF सेल इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ लाइंस इन NF सेल ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के NF सेल में कितनी लाइंस बनेगी, इसके लिए दो स्टेटिस्टिकल फार्मूले हैं और उनके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर कोई आपसे ये कहे कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन फिफ्थ सेल में है, कितनी लाइन बनेगी, सीरीज का नाम नहीं दिया, सिर्फ ये कह रहे हैं कि फिफ्थ सेल में कितनी लाइन बनेगी, तो एक अलग फार्मूला होगा। और अगर ये कह दिया जाए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन एटम के लिए इलेक्ट्रॉन फिफ्थ सेल से सेकेंड सेल में जा रहा है, तो कितनी लाइन बनेगी, तो अब आप यहाँ पर सीरीज नहीं दी है तो आपको ये नहीं मालूम है कि सेकेंड पे जा रहा है तो क्या फर्स्ट पे भी जाएगा, जा सकता है। तो ये सीरीज मेंशन ना करने से आपको यहाँ पर स्टैटिस्टिकल एवरेज निकालना पड़ता है। तो हम पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन डिफरेंट सीरीज। इसमें दो केस है, अगर इफ इन क्वेश्चन कोई क्वेश्चन आ रहा है इन क्वेश्चन ओनली वन सेल इज गिवन, कोई एक सेल दे दिया है, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू N(N-1)/2, ये सीधा फार्मूला यूज करोगे, इसको कोशिश करना है बार बार यूज करोगे तो आपको याद हो जाएगा, इसमें ज्यादा डेरिवेशन में इन्वॉल्व नहीं होना है क्योंकि ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन आया आपको कि यार NF सेल में इलेक्ट्रॉन है कितनी लाइन बनाएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो आप बोलोगे कि नंबर ऑफ लाइंस का इक्वेशन है N(N-1)/2, जैसे मैं बोलूं फिफ्थ लाइन फिफ्थ सेल है, फॉर एग्जांपल N=5 है, तो आप बोलोगे 5 5-1/2, तो ये हो जाएगा 10, यानी कुल 10 लाइनें बनेंगी, देयर आर 10 लाइंस आर प्रेजेंट इन द स्पेक्ट्रम, बहुत इजी फार्मूला। लेकिन यही चीज अगर ऐसा कह दिया जाए कि इफ इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम N2 टू N1 सेल, हायर से लोअर सेल में दिया है,
ओनली वन सेल की जगह अगर टू सेल्स दे दी जाए कि इलेक्ट्रॉन एन टू से एन वन में जा रहा है, अब हमको सीरीज मेंशन नहीं है इसलिए हम ये तो अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि कहां कैसे कौन सा है, बस ये कि एन टू से एन वन में जा रहा है तो आप बोलोगे नंबर ऑफ लाइंस एन टू माइनस एन वन होल इन टू एन टू माइनस एन वन प्लस वन होल अपॉन टू। इस फार्मूले को यूज करो, स्टैटिस्टिकल एवरेज निकलेगा और बहुत इजीली आंसर आएगा कि इलेक्ट्रॉन अगर N2 से N1 सेल में जा रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर तो आपको ये बताना है कि कितनी लाइंस बनेंगी, तो आप बोलोगे N2 माइनस N1 होल इनटू N2 माइनस N1 प्लस 1 होल अपॉन 2। जैसे इलेक्ट्रॉन अगर फिफ्थ सेल से सेकंड सेल में जा रहा है तो कितनी लाइन बनेगी, तो आप बोलोगे 5 माइनस 2 5 माइनस 2 प्लस 1 होल अपॉन 2। सो आप एक बार जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 3 आएगा, ये कितना आएगा 4 आएगा, तो 3 और 4 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो ऐसे आप वैल्यू रखो और आंसर आपको बहुत इजीली मिलेंगे। तो मेरी आपको यही सलाह है कि भाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आप जो स्ट्रक्चर है वो तो अपनी जगह है, वो आपको बनना ही पड़ेगा। आपको ये क्लियर होना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कि कौन सी सीरीज कहाँ मिलती है, तो मैंने बताया कि लाइमन जो है और बामर एसोन, तो सिर्फ बामर ही विजिबल जोन में है और बामर के पहले जो है लाइमन वो अल्ट्रावायलेट में है और रेस्ट ऑफ सब इंफ्रारेड में। लाइमन एन वन पे मिलती है, बामर एन टू पे मिलती है, पाशन एन थ्री पे मिलती है, ब्रैकेट एन थ्री पे मिलती है, पाशन ब्रैकेट एन फोर पे, और पीफन जो है वो आपको N5 पे मिलती है। ये बेसिक क्लियर होना चाहिए, लाइंस जो बन रही हैं उसका स्ट्रक्चर आपको आइडिया होना चाहिए तो आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे। क्लियर? तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में रेस्ट ऑफ स्टडी है, तो आप जो प्रीवियस वीडियो है उसमें और इसको मैचअप करोगे तो आपको एक परफेक्ट बोअर्स थ्योरी मिल जाएगी। तो बोअर्स थ्योरी के दो वीडियो ऑलरेडी है और प्लस इसको भी आप उसमें इंक्लूड कर लोगे तो आपको एक परफेक्ट नॉलेज मिलेगी। क्लियर? ऑब्जेक्टिव स्टेप बाय स्टेप पहले करिए आप, इनमें बहुत हैवी न्यूमेरिकल्स आएंगे नहीं इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अब हम इंटर करेंगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो अगला सेक्शन होता है, तो अगला सेक्शन में आप बहुत छोटे छोटे से रूल्स, लेकिन उनको बहुत ब्रॉड यूज करना पड़ेगा, रूल छोटे यूज बड़े। तो अब यहाँ पर जो हम एंटर करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स आ जाती है और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आता है और यहाँ पर हम फिजिक्स को ज़्यादा इन्वॉल्व कर रही है केमिस्ट्री की स्टडी में। तो इस कंसेप्ट के लिए सबसे पहले हमारे को जो सिलेबस में रखा है वो है डी ब्रॉगलीज ड्यूअल नेचर थ्योरी। ये क्या थ्योरी है, ये हमको क्या बताना चाहती है, इससे हमको क्या फ़ायदा होगा, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इस चीज को देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज डी ब्रॉगलीज ड्यूअल नेचर थ्योरी। तो डी ब्रॉगली हमको क्या बताते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि डी ब्रॉगली की जो ड्यूअल नेचर थ्योरी है तो ये दो कंसेप्ट पे बेस्ड, पहला आइंस्टीन का कंसेप्ट। आइंस्टीन के जो कंसेप्ट थे ये मास कंसेप्ट, मास या पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल थे, ज़्यादातर उनके कंसेप्ट पार्टिकल नेचर को डिस्क्राइब कर रहे थे। पार्टिकल नेचर में आप ज़्यादा जो स्टडी कर रहे हैं वो मास है, वेट है, मोमेंटम है, एनर्जीज है, इन सब चीज़ों को आप पार्टिकल नेचर में स्टडी कर रहे हैं। फिर आए प्लांक, प्लांक ने क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन आपको दिया। प्लांक की थ्योरी पर पढ़ने के बाद आपको ये तो क्लियर हो गया कि वेव नेचर है, वेव कैरेक्टर है, और वेव नेचर क्या है, जैसे वेव लेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, वेव नंबर है, तो ये वेव कैरेक्टर्स हैं। अब हम आइंस्टीन और प्लांक दोनों को बाइसेक्ट करके अलग अलग रास्ते से पढ़ाई कर रहे हैं। डी ब्रॉगली कहते हैं ना, ये दोनों को मिला दो, मिक्स कर दो, यही है ड्यूअल नेचर थ्योरी। क्लियर बात? अब इसको शब्दों में समझते हैं। डी ब्रॉगली कहते हैं कि एनी पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एनी अदर सब्सटेंस ऑलवेज शो वेव कैरेक्टर लाइक
वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेव नंबर एंड पार्टिकल कैरेक्टर लाइक मास, वेट, मोमेंटम, एनर्जी एक्सेट्रा साइमल्टेनियसली। समझा? यानी हमें डी ब्रॉग्ली बता रहे हैं कि आप जो इलेक्ट्रॉन के लिए पार्टिकल कैरेक्टर अलग करके पढ़ रहे हो और वेव कैरेक्टर अलग करके पढ़ रहे हो, दोनों को मिला दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में ये दोनों कैरेक्टर एक साथ ऑब्जर्व हो सकते हैं। हाँ, बोले यार ये डी ब्रॉग्ली का कंसेप्ट है, अब इसमें दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि वी कांट सी, हम देख तो सक रहे नहीं इलेक्ट्रॉन को कि अच्छा वो वेव कैरेक्टर भी दिखा रहा है और पार्टिकल कैरेक्टर भी दिखा रहा है। तो हम क्या करते हैं, उसको प्लेन पेपर पे, बोर्ड पे मैथमेटिकली अप्रोच करते हैं और दोनों रूल्स को मिला देते हैं। तो मिलाने पे हमको एक मैथमेटिक्स मिलती है जिसमें हम एक साथ दो कोरिलेशन, यानी वेव का एक कोरिलेशन और एक पार्टिकल का कोरिलेशन को मिक्सअप कर देते हैं और एक हमारे को इक्वेशन गेन हो जाता है और वही हमारे लिए होता है डी ब्रॉग्लीज ड्यूल नेचर थ्योरी। क्लियर? तो स्टेटमेंट क्या है कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉग्ली ऑल द फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऑलवेज शो वेव कैरेक्टर लाइक वेव लेंथ, फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेव नंबर एंड पार्टिकल कैरेक्टर लाइक मास, वेट, मोमेंटम, एनर्जी साइमल्टेनियसली। क्लियर? यानी कंक्लूजन ये निकला कि डी ब्रॉग्लीज थ्योरी इज बेस्ड ऑन, तो बेस्ड ऑन टू कंसेप्ट। फर्स्ट, आइंस्टीन्स रिलेटिविटी थ्योरी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर एंड सेकेंड वन इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इज इक्वल टू एच न्यू। ये दोनों को मिलाते वक्त आपको एक चीज अपने दिमाग में बैठा के रखनी है जो मैंने पहले भी बताया, क्या कि एनी पार्टिकल विच कंटेन मास कांट मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट एट ऑल। कोई भी पार्टिकल जिसमें मास है वो कभी स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकता। अगर करेगा, जो कि इम्पॉसिबल है, अगर करेगा, जो कि मैंने पहले सिखाया आपको आइंस्टीन की ही थ्योरी में, कि अगर वो मास पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से भागेगा तो उसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी ये हाइपोथेटिकल बात है, तो हमको यहाँ पर ये प्रिकॉशन रखना होगा कि एनी मास पार्टिकल कांट मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर? तो हम इन दोनों को मिलाते हैं और डी ब्रॉग्ली का एक नया सोल्यूशन तैयार करते हैं। तो आइंस्टीन एंड प्लैंक जो दोनों अलग अलग थे और अलग अलग डायरेक्शन पे जा रहे थे, उन दोनों को आपस में मिला दो तो बन गया डी ब्रॉग्ली कंसेप्ट। कैसे? देखिए, तो हमको जो पढ़ाया अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, आइंस्टीन के हिसाब से हम जानते हैं इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा और अकॉर्डिंग टू प्लैंक इज इक्वल टू एच न्यू, सॉरी आइंस्टीन के हिसाब से इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर और प्लैंक के हिसाब से इज इक्वल टू एच न्यू। तो एच न्यू को हम एच सी बाय लैम्डा लिख देंगे, इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू। डी ब्रॉग्ली कहते हैं कि इन दोनों को मिला दो, तो हम मिला देते हैं। हम बोलेंगे दोनों एनर्जी की इक्वेशन है, तो लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड, तो एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, सी से सी कैंसिल कर दें, तो हम इसको लिख देंगे एच अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी। अब हम लैम्डा निकालेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा एच अपॉन एम सी। बोले अच्छा ये इक्वेशन मिल गया। बोले इस इक्वेशन में दिक्कत है। बोले क्या? बोले हम तो पार्टिकल की स्टडी कर रहे हैं, अब पार्टिकल मास कैरी करता है और जो पार्टिकल मास कैरी कर रहा है वो कभी स्पीड ऑफ लाइट से चल नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो हम यहाँ पर इसको बताएंगे टीचर को या किसी को जिसको आप समझा रहे हो कि भाई ऐसा है कि हमने पार्टिकल यूज किए हैं, तो इन द इक्वेशन इन प्लेस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट वी शुड यूज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकॉज एनी मास पार्टिकल कैन नॉट मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट एट ऑल, देयरफॉर इन इक्वेशन इन प्लेस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट सी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वी शुड यूज। ये आप प्रिकॉशन बताओगे। अब अच्छा बोलोगे यार सी का हम यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी का यूज करेंगे, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अब हमको ये इक्वेशन मिल गया। दिस इक्वेशन इज नोन एज
डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। जैसे जितने भी न्यूमेरिकल डी ब्रॉगली के इक्वेशन से रिलेटेड आएंगे उसमें हमेशा ये मेंशन रहता है कैलकुलेट द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में ये चीज आपको बताना इसलिए जरूरी होता है कि आप वेवलेंथ के तो कई इक्वेशन जानते हो। तो डी ब्रॉगली का इक्वेशन तो पर्टिकुलर जोन में फिक्स्ड होता है, इसलिए आपको ये डी ब्रॉगली इक्वेशन यूज हो गया। अब इसमें आप और आगे बढ़ सकते हो, तो आप बोलोगे कि सिंस mv इज इक्वल टू होता है मोमेंटम p, तो आप बोलोगे अब लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p यूज हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स ज्यादातर इससे आएंगे और कुछ न्यूमेरिकल इससे भी आएंगे, मोमेंटम की दे दिया तो सॉल्व हो जाएगा आपके लिए। अब यहाँ पर अगर मैं प्लैंक कांस्टेंट हटा दूं तो इससे हमें ये कंक्लूजन क्या मिलता है कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, लैम्डा वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी यानी मोमेंटम। अब आप ध्यान दो यही डी ब्रॉगलीज का कंक्लूजन है, ड्यूअल नेचर थ्योरी है। कैसे? आपने लैम्डा को कहा वेव कैरेक्टर, पी यानी मोमेंटम को कह रहे हैं आप क्या पार्टिकल कैरेक्टर, दोनों अलग अलग कंसेप्ट। लेकिन डी ब्रॉगली कहते हैं ये दोनों साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व होते हैं, देखिए आपको एक साथ ऑब्जर्व हो रहा है, यानी अगर आप लैम्डा जानते हो तो आप पी बता पाओगे, पी जानते हो तो लैम्डा बता पाओगे, ये आपको क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें न्यूमेरिकल्स हैं बहुत सारे, लेकिन पहले छोटे कंसेप्ट क्या हुए, छोटे कंसेप्ट ये कि अगर लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी है तो आप ये कह सकते हो कि लैम्डा पे रेशियो क्वेश्चन आते हैं, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू मास, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी जिस चीज का मास ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा। इससे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं कि इलेक्ट्रॉन को दिया जाए आपको, प्रोटॉन दे दिया जाए, बोले किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, तो आप बोलोगे यार कि इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो उसकी वेवलेंथ जो है वो ज्यादा आएगी, प्रोटॉन का मास ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स तो प्रोटॉन की वेवलेंथ कम आएगी, जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा स्वाभाविक बात है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो इस तरह के बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे हाइड्रोजन हीलियम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनमें कंपेयर करने के लिए किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो ये कंसेप्ट का यूज बहुत ज्यादा है। अब हमको ये तो मालूम हो गया कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी है, और ये इसमें एक चीज और इन्वॉल्व कर देते हैं वो है काइनेटिक एनर्जी। तो हमको एक परफेक्ट फार्मूला मिल जाएगा और पूरे रिलेशन आपस में कोरिलेट हो जाएंगे। तो अब हम काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे कैसे इन्वॉल्व करें, तो आप देखो आप बोलोगे यार काइनेटिक एनर्जी का जनरल इक्वेशन, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने की कंडीशन नहीं बोल रहा हूँ, 1/2 mv², ठीक है सिंपल इक्वेशन 1/2 mv². अब अगर इक्वेशन ये है तो आप बोलोगे कि यार मैं इसमें कैसे कन्वर्जन करूँ कि वहाँ मोमेंटम की तरफ पहुँच जाऊँ, आप बोलोगे चलो काम करते हैं इसमें इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी में 2m का मल्टीप्लाई कर देता हूँ लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों साइड, ऐसा करने पे मुझे मिलेगा 2m काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 2m और फिर आगे क्या था mv². आप देखोगे ये कैंसिल हो गया तो ये बचा क्या 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m² v² यानी p² मोमेंटम। तो आपको मिला मोमेंटम p इज इक्वल टू √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, है ना, एक छोटा सा फिजिकल इक्वेशन मिल गया। आपको इससे ये भी क्लियर हुआ कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √√ काइनेटिक एनर्जी। इससे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब आप बोलोगे लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन जहां पी था वहां पे √2m काइनेटिक एनर्जी, यानी ये रिलेशन से बहुत सारे क्वेश्चन बुक्स में, इनमें क्या होता है बहुत न्यूमेरिकल्स से ज्यादा पहले फार्मूले अपने दिमाग में आने चाहिए कि वेवलेंथ निकाल रहे हैं तो एच अपॉन √2m काइनेटिक एनर्जी, यानी यहाँ पर वेवलेंथ जो आ रही है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √2 काइनेटिक एनर्जी आ रही है, जबकि जनरल इक्वेशन में आप पढ़ते हो इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, तो एनर्जी जो होती है वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आपको ये सब ध्यान देना होगा कि जब रेडिएशन शब्द लिख के आएगा तो प्लैंक की थ्योरी का कंसेप्ट आप लगाओगे और इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा फॉलो करोगे, लेकिन अगर डी ब्रॉगली इक्वेशन आ गया, कोई पार्टिकल आ गया उसका मास फैक्टर दे दिया,
ऐसे केस में मोमेंटम दे दिया, तब फिर आपको समझना होगा कि यार कोर्स में क्या है, तो उस हिसाब से आप समझ जाओगे कि हाँ अब मुझे डी ब्रॉगली का मिक्स्ड वाला फार्मूला लगाना है जिसमें रे पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। क्लियर? तो आपको ये देख के बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ किसी भी पार्टिकल का जो वेवलेंथ आएगा डी ब्रॉगली इस कंसेप्ट में वो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी या लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। इससे हमें कंक्लूजन मिलेगा लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, यानी वेवलेंथ मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये कंक्लूजन है डी ब्रॉगली का। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला रखने पे हमें फाइनल इक्वेशन जो मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। एच या प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.625 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड है एसआई में। और अगर सीजीएस कन्वर्जन करोगे तो आप जानते हो कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ब होता है, तो आपको वैल्यू मिलेगी कितनी 6.625 × 10⁻²⁷ अर्ब। ओके, तो आप कोशिश करिए इसको, इसमें बहुत हैवी न्यूमेरिकल्स नहीं, आपको ध्यान रखना होगा लेटर वाइज स्टडी करनी पड़ती है। पहले आप छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव करो, पहले आप सलूशन देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप आपका क्या होगा माइंड फ्रेम ऐसा बनेगा कि आप हैवी न्यूमेरिकल्स कर पाओगे, अपने आप कर पाओगे। लेकिन पहले आप बूस्ट करो अपने आप को, डायरेक्ट जंप नहीं मारना है। क्लियर? तो डी ब्रॉगली का कंसेप्ट ये। अब इसमें न्यूमेरिकल्स तो स्वाभाविक है, आप देख रहे हो कि इस इक्वेशन में लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी में एम फॉर मास है, एम वी वेलोसिटी है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, यानी कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी न्यूमेरिकल नहीं आ जाएगा कि आप परेशान हो। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी यूनिट्स के क्वेश्चन होते हैं जहां पे दिक्कत तो आती है। अब यहां पर अगर मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन बोलूँ और आपको बोलूँ कि आप सॉल्व करके बताओ, अब सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि इफ इलेक्ट्रॉन मूव विद वेलोसिटी ऑफ 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, मूव विद द वेलोसिटी ऑफ 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, देन कैलकुलेट द वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम यूनिट। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी। इफ द इलेक्ट्रॉन मूव विद द वेलोसिटी ऑफ 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, देन कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो आप इसको देखिए, दो मिनट टाइम लीजिए पॉज करके और इसको सॉल्व कर पहले करिए, फिर देखिए कि क्या आपने किया, किस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब इसमें जब आप वेवलेंथ का कैलकुलेशन कर पाते हैं, अब इम्पोर्टेंट चीज ये क्वेश्चन आता है कि आपको ये निकालना होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी सेल में रिवॉल्व कर रहा है तो नंबर ऑफ लाइंस का फार्मूला वो तो आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अभी देखा। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाए कि इफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन थर्ड सेल देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेवलेंथ, यहां पर अब दिक्कत होती है, ऐसे क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है। जैसे क्वेश्चन आ गया कि इफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन थर्ड सेल देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेवलेंथ, और ऑप्शन दे दिया 9, 3, 6 और 12, ये ऑप्शन देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में रिवॉल्व कर रहा है भाई, तो बताओ उसकी कितनी वेवलेंथ्स बनेगी। अब यहां पर दिक्कत आती है, तो काम करते हैं इसको एक फार्मूला बनाते हैं और डिराइव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहां पर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अब लोग मिसकंसेप्शन डेवलप करते हैं और कैसे, जैसे कि मैं कहूँ कि यार हमारे पास एक इक्वेशन है MVR is equal to NH upon 2pi, ये इक्वेशन कहाँ से मिला था? बोले यार ये तो हमें बोअर्स थ्योरी में मिला था। क्लियर? और हमारे पास इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी भी है, ये इक्वेशन कहाँ से मिला? बोले डी ब्रॉगली के इक्वेशन से मिला। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n नंबर ऑफ सेल। क्लियर? अब मैं ये कहता हूं कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर मोशन कर रहा है, और सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी खूब सारी वेवलेंथ बन रही है। nth सेल में है वो, और nth सेल में उसकी खूब सारी वेवलेंथ बन रही है। तो बोले यार सर्कुलर मोशन में टोटल
डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है? बोले सरकम टोटल डिस्टेंस जो है वो 2πr है सरकमफेरेंस, और 2πr में लैम्डा बन रहे हैं, तो कितने लैम्डा बन रहे हैं? बोले ये तो पता नहीं कितने बन रहे हैं, ये तो पता करना है। तो ये एक इक्वेशन डेवलप कर लेते हैं, 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा वेयर n इज w, यानी n इज द नंबर ऑफ वेवलेंथ है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर मेरे को नंबर ऑफ सेल दे दिया जाए तो कितनी वेवलेंथ बनेगी, यानी एन एस मालूम हो तो एन डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, ये पता करना है। तो मैं इन सब फार्मूले को मिक्सअप करने की कोशिश करता हूँ, और मिक्सअप करने के बाद ये पता करूंगा कि थर्ड सेल में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा था तो उसकी कितनी वेवलेंथ बनेगी। तो आप देखो, अब आप बोलोगे कि भाई 2πr इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ वेवलेंथ अपॉन लैम्डा एन टू लैम्डा, तो 2πr एन डब्ल्यू लैम्डा की जगह मैं क्या लिख दूं, एच अपॉन एम वी लिख दूं। अच्छा, जब मैं ऐसा कर दूंगा तो अब क्या होगा, बोले यार काम करते हैं एम वी आर को शिफ्ट कर देते, तो हो जाएगा 2πr एम वी इधर ले आ दिया, तो एम वी आर इज इक्वल टू एन डब्ल्यू इन टू एच। बोले यार ये एम वी आर आ गया, एम वी आर क्या है? बोले ये है ना एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2πr, तो 2πr एम वी आर की जगह एन एच अपॉन 2πr, बट यहाँ पे एन इज द नंबर ऑफ सेल, ओके, और यहाँ इज इक्वल टू एन डब्ल्यू इन टू एच। देखो आप सब मर गए, सब कैंसिल हो गए, तो एन एस इज इक्वल टू एन डब्ल्यू। ये बहुत बड़ा कंक्लूजन निकाल सकते हो आप, यानी किसी भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव लेंथ, जो नंबर ऑफ सेल होगी वही नंबर ऑफ वेव लेंथ होगी। बच्चों क्लियर? तो मुझे लगता है कि ऐसे कंक्लूजन अगर आप दिमाग में रखोगे तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा। तो किसी भी पार्टिकल के लिए कहीं भी क्वेश्चन आए तो आपको अब ध्यान ही देना है कि आपके सिलेबस में दो कंसेप्ट, एक नंबर ऑफ लाइन निकालने का कंसेप्ट है, और नंबर ऑफ लाइन में मैंने दो फार्मूले बताए हैं, लेकिन जनरल फार्मूला तो n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू ही यूज होता है। अब वहां पर एक अमेजिंग एक्सीडेंट होता है कि अगर मैं नंबर ऑफ लाइंस निकाल रहा हूँ n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, और n की वैल्यू 3 दिया है, तो 3 3 माइनस 1 अपॉन 2 आंसर इज 3। और यहां पर अगर नंबर ऑफ वेवलेंथ निकाल रहा हूँ और n 3 दिया है, तो आपने बोल दिया कि नंबर ऑफ वेवलेंथ एंड जो होगा वो भी 3 आएगा। तो कई लोग यहाँ पे मिसकंसेप्शन डेवलप कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये दोनों आए कि भाई चाहे लाइन आए चाहे वेवलेंथ आए सेम फार्मूला, ना ना अभी यही 4 5 हो जाएगा तो बदल जाएगा आंसर, वो तो लक है कि 3 के लिए दोनों वैल्यू सेम आ रही है। 4 करोगे तो क्या आएगा, या आप करोगे 4 माइनस 1 अपॉन 2 तो या तो 6 आएगा, जबकि यहाँ 4 करोगे तो 4 ही आएगा। तो इसलिए आप दिमाग में रखो कि जब हमको नंबर ऑफ लाइंस पूछ रहे हैं तो अलग फार्मूला, नंबर ऑफ वेवलेंथ पूछ रहे हैं तो अलग फार्मूला। क्लियर बच्चों? ठीक है, अब क्या हुआ कि आपको अब एक चीज को अपने दिमाग में एकदम नोट करके बैठाना पड़ेगा, और ये बहुत ही कॉमन नीट का क्वेश्चन होता है, शब्दों में आता है, न्यूमेरिकल्स तो आगे की बातें हैं। वो ये कि आपसे कोई कहे कि इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर किसने दिया, तो आप तुरंत बोल दोगे अभी तो पढ़ाया डी ब्रोगली ने दिया। अच्छा, तो आपको ये कह दे कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर किसने बताया, तब बोले गड़बड़ हो गया यार, ये तो अभी डी ब्रोगली वेव नेचर, तो वेव नेचर में ज्यादातर आदमी कहां पे चला जाता है, प्लांक की थ्योरी में चला जाता है, तो लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। आपको यहां पहले तो एकदम एज इट इज आपको ये दिमाग में फ्रेज बैठाना पड़ेगा कि ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज गिवन बाय डी ब्रोगली, बट द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज गिवन बाय डेविसन एंड जर्मर। डेविसन और जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट करके इलेक्ट्रॉन को वेव बताया और उसके वेव नेचर का कैलकुलेशन किया। कैसे किया, क्या कंसेप्ट यूज हुआ, तो वो देखते हैं। तो हम अंदाजा लगाना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर क्या है, किसने इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को बताया। तो लोग एक एक्सपेरिमेंट हुआ डेविसन और जर्मर का, फिजिक्स में भी इसका बहुत ब्रॉड यूज है, और उस एक्सपेरिमेंट से हमको इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ निकालने का एक फार्मूला मिलेगा, और इसी को हम कहते हैं
क्या, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट और वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे डेविसन जर्मर ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है और इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करा दिया। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से पास हुआ तो स्वाभाविक बात है इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो चार्ज इनटू पोटेंशियल होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी चार्ज इनटू पोटेंशियल ईवी होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है और मूव करने के बाद किसी प्रिज्म ऑब्जेक्ट से टकरा गया, टकराएगा तो स्वाभाविक बात है ये स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया तो ऐसे केस में अब इसकी काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होगी। अब जनरली आप जो रेडिएशन देखते हो वो क्या होता है, किसी फिजिकल बॉडी से स्ट्राइक करके डिफ्लेक्ट होते हैं या रिफ्लेक्ट होते हैं। अब यहां पर यही चीज डेविसन जर्मर बोलते हैं कि यार इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक एज वेव, इनका एक अलग लॉजिक चल रहा है तो आपको अलग अलग याद रखना पड़ेगा। तो हाँ ठीक है, हमको ये तो मालूम हो गया कि डेविसन जर्मर ने हमको इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर बताया, किसने बोला डेविसन एंड जर्मर ने हमको इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर बताया, ये तो सरल समझ गए हम। लेकिन इसमें मैथमेटिक्स क्या है, उससे फार्मूले बनते हैं, न्यूमेरिकल्स भी हैं, फार्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बोलोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में काइनेटिक एनर्जी क्या है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, और सामान्य रूप से उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv², दोनों इक्वल होगी क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट हैंड का इक्वेशन लगेगा बिफोर एंड आफ्टर। अब ऐसा करने पे यहाँ कंफ्यूजन होगा, ये वी है, कैपिटल वी है, वो स्मॉल वी है, तो यहाँ वी की जगह छोटा सा पी लिख देता हूँ जिससे आपको क्लियर होगा पोटेंशियल को। ऐसा करने पे अब मेरे को इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का इक्वेशन मिलेगा 2EVp/m√। अब यहाँ पे आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जब हम पढ़ाई करते हैं तो वो जो बोअर्स थ्योरी में 2πkJd²nh वो अलग फार्मूला है, वो पर्टिकुलर सेल में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है। हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का लंबा चौड़ा इक्वेशन यूज करते हैं, वो अलग चीज है। ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का इक्वेशन है व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पोटेंशियल के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? अब मैं इसको ले जाता हूं और प्लैंक की थ्योरी में फिलअप कर दूं। तो प्लैंक का इक्वेशन जहां पे वेव कैरेक्टर लैम्डा, तो h/m वेलोसिटी की वैल्यू 2EVp/m, m को अंदर ले गया m² m से m कैंसिल हो गया तो मुझे मिलेगा h/√2mEVp, यानी यहां पर ये p का मतलब पोटेंशियल है। तो लैम्डा वेवलेंथ इज इक्वल टू h/√2mEVp। क्लियर? अब इसमें से न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको कि भाई किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो आप यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हो। ये अभी थोड़ी देर पहले आपने जब पढ़ाई की थी और आपने बोला था कि 1/2 mv² इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी थी और इसका कन्वर्जन आपने किया था, तो आपने क्या किया इसमें 2m का मल्टीप्लाई कर लिया था, तो ये 2m का मल्टीप्लाई करने के बाद हमको ये मिला था क्या p² और ये क्या मिला था 2m into काइनेटिक एनर्जी। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/p, तो ये होता है √2m into काइनेटिक एनर्जी। याद है अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको इसी वीडियो में बताया था कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का यूज कर लूंगा तो ये इक्वेशन मुझे मिलेगा वेवलेंथ डी ब्रॉगलीज रिलेशन, और ये देखो दोनों सेम सेम। इसका मतलब डेविसन जर्मर का एक्सपेरिमेंट बहुत सिग्निफिकेंट हमारे सिलेबस के हिसाब से नहीं है, लेकिन हाँ आपको एक पर्टिकुलर लाइन और एक पर्टिकुलर फार्मूले से क्वेश्चन बनते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर किसने दिया, तो डी ब्रॉगली ने दिया। इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर किसने बताया, तो आप तुरंत बता दोगे कि यार डेविसन और जर्मर ने बताया। मेरे ख्याल से ये परफेक्ट है, इसमें क्लियर रखिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूले
आप डेवलप करिए, क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में ये सब यूज़ होंगे। और आप ध्यान रखो कि जब ऑर्गेनिक आएगी और इनऑर्गेनिक आती है तो थोड़ा सा आप अलग बातें सीखते हो, लेकिन फिजिकल में बहुत सारी फिजिक्स, बहुत सारी मैथमेटिक्स और बहुत सारी केमिस्ट्री मिला के बढ़िया कॉकटेल बनता है, और वही केमिस्ट्री हम पढ़ाई कर रहे होते हैं। क्लियर? तो इसमें इतना ही। तो ये था हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और डी ब्रॉगलीज ड्यूअल नेचर थ्योरी। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और हम क्वांटम मैकेनिक्स में एंटर करेंगे, क्वांटम नंबर क्या होते हैं और श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज़ क्या है, किस तरह से उसका डीप स्टडी करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तो ओके, आज के लिए इतना ही। आप इसको पढ़ाई करिए, बढ़िया है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कुछ भी करिए, पढ़िए जरूर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।